हेलो एवरीवन, आज हम सेपरेशन ऑफ एयर कंपोनेंट्स फ्रॉम एयर की बात करेंगे कि एयर से एयर कंपोनेंट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारी जो एयर होती है उस एयर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो एयर के कंपोनेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस में मोस्टली क्या होता है? आर्गन गैस ही होती है। तो एयर के ये जो कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट को हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। तो ये पूरा का पूरा एपरेटस है, इस एपरेटस की हेल्प से हम एयर के ये जो कंपोनेंट है इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस एपरेटस में एयर जो है वो यहां से पास की जाएगी और ए जो है वो हमारा फिल्टर लगा हुआ है। तो अगर एयर में डस्ट है, अगर एयर में डस्ट पार्टिकल है, तो फिर क्या होंगे? वो डस्ट पार्टिकल इस फिल्टर के थ्रू जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और डस्ट फ्री एयर जो है वो हम यहां पे पास करेंगे। ये जो बी पॉइंट है ये बता रहा है कि यहां पे कंप्रेसर लगा हुआ है। तो बी पॉइंट में क्या लगा हुआ है? कंप्रेसर लगा हुआ है जो कि एयर को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। तो कोई भी एयर जो है वो कंप्रेस होती है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे। तो गैस को हम हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे यहां पे कंप्रेस करेंगे तो हॉट कंप्रेस्ड एयर जो है वो यहां से निकलेगी। तो हॉट कंप्रेस्ड एयर जो है वो यहां से आएगी। सी जो है ये कूलेंट लगा हुआ है, यहां पे हम फ्रीजिंग वाटर जो है वो यहां पे सप्लाई कराते हैं। यहां से फ्रीजिंग वाटर इन होगा और यहां से आउट होगा। तो क्या होती है? जो हॉट कंप्रेस्ड एयर है वो कूल हो जाती है। तो यहां से जो एयर निकलेगी वो कैसी होगी? कोल्ड कंप्रेस्ड एयर होगी, ठीक है। फिर कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहां पे आएगी, यहां पे डी मतलब सेपरेटर लगा हुआ है। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सेपरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो कोल्ड कंप्रेस्ड गैस है इसका टेम्परेचर जो है वो -78 डिग्री सेल्सियस के समथिंग हो जाता है। तो CO2 गैस जो है वो कैसी हो जाती है? सॉलिडिफाई हो जाती है। तो -78 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिडिफाई हो जाती है जो कि यहाँ पे सेपरेट हो जाएगी। फिर जो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है इसको हम ई है एक्सपेंशन जेट। तो यहां पे एयर का हम रैपिड एक्सपेंशन कराएंगे। तो कंप्रेशन, कूलिंग और रैपिड एक्सपेंशन से एयर जो है वो कैसी हो जाती है? लिक्विफाइड हो जाती है। तो जब ये तीन चीजें मिलती हैं, CCR, सी मतलब कंप्रेशन, सी मतलब कूलिंग और आर मतलब रैपिड एक्सपेंशन, तो ये तीन चीज जो है वो किसी भी गैस को क्या कर देती है? कूल कर देती है, लिक्विफाइड कर देती है। अगर मान लीजिए यहां पे गैस जो है वो लिक्विफाइड नहीं है तो इस प्रोसेस को हम दोबारा से करेंगे। मतलब यहां की एयर जो है वो फिर से यहां पे कंप्रेशन में भेजी जाएगी। तो एयर को दोबारा से यहां पे कंप्रेस किया जाएगा, फिर कूल किया जाएगा, फिर रैपिड एक्सपेंशन किया जाएगा, फिर भी लिक्विफाइड नहीं हुई तो फिर एयर को दोबारा से पास किया जाएगा यहाँ पे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। तो हमने समझ लिया कि यहाँ पे एयर जो है वो हमारी कैसी हो गई? लिक्विफाइड हो गई। तो ये लिक्विड एयर बन गई और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -200 डिग्री सेल्सियस के समथिंग है। फिर क्या करेंगे? फिर एफ पॉइंट जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। मतलब इस लिक्विड एयर का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो -200 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर -199 डिग्री सेल्सियस आया, फिर -198 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर -197 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर -196 डिग्री सेल्सियस होगा। और जैसी टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होगा, नाइट्रोजन जो लिक्विफाइड थी वो किस में हो गई? नाइट्रोजन गैस बन गई। तो पहला फ्रैक्शन जो है हमें नाइट्रोजन गैस का मिलेगा और टेम्परेचर कितना होगा? -196 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंटेनर में हम नाइट्रोजन गैस को क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। जब पूरी की पूरी नाइट्रोजन गैस कलेक्ट हो गई, इस कंटेनर को उठा के दूसरा कंटेनर लगाएंगे और
फिर यहाँ पे टेम्परेचर दोबारा से बढ़ाएंगे और जैसे ही टेम्परेचर हमारा बढ़ता बढ़ता -186 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, 10 डिग्री सेल्सियस और रेस किया हमने, तो लिक्विड एयर में जो आर्गन और ऑक्सीजन बची थी तो आर्गन गैस जो है वो अलग हो जाएगी। तो इस कंटेनर में कौन सी गैस कलेक्ट हो रही है? आर्गन गैस कलेक्ट हुई। जब आर्गन गैस फुली कलेक्ट हो गई तो फिर हमने कंटेनर को हटा के नया कंटेनर लगा दिया और टेम्परेचर को थोड़ा सा और इंक्रीज किया, -183 डिग्री सेल्सियस कर दिया, मतलब यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इंक्रीज किया, तो हमारी ऑक्सीजन गैस जो है वो सेपरेट हो जाएगी। तो इसको हमें याद कैसे रखना है? सबसे पहले नाइट्रोजन मिला, फिर हमें आर्गन मिली और फिर हमें ऑक्सीजन मिली, तो नाउ न्यू एंड ओल्ड। तो सबसे पहले न्यू मतलब नाइट्रोजन, एंड मतलब आर्गन, ओल्ड मतलब ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन किसका होगा? नाइट्रोजन का, सेकंड फ्रैक्शन आर्गन का और थर्ड फ्रैक्शन जो होगा ऑक्सीजन गैस का होगा। तो ऐसे हम एयर से एयर कंपोनेंट का सेपरेशन कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।